नमस्ते फ्रेंड्स, सुधा कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ नीर ढोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये काफ़ी टेस्टी लगेगा, आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नीर डोसा बनाने के लिए हमने 1.5 कप चावल लिया है। तो सबसे पहले हम चावल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे। हम 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। चावल हमारा फूल चुका है और इसे हमने अच्छे से धोकर छान लिया है, तो इसे हम मिक्सर में डाल देंगे। इसमें हम नारियल डालेंगे, तो नारियल के हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। नारियल से डोसा काफ़ी टेस्टी लगता है। थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लेंगे और इसका घोल हमें पतला रखना है, बिल्कुल चिकना। तो घोल में थोड़ा सा भी नारियल है तो इसे हम और थोड़ा सा चिकना पीस लेंगे। चावल को हमने पीस लिया है, इसे हम बॉल में निकाल देंगे। इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे, ये बहुत पतला रहता है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और नमक के साथ अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। इधर हमने गैस पर पैन रख दिया है, इसे 2 बूंद तेल डाल देंगे। फिर हम ग्रीस कर लेंगे। बैटर को हम कटोरी में डालेंगे, तो ये आसानी से पतला बनेगा। एक से दो मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे और साइड से थोड़ा सा तेल डाल देंगे, ये अपने आप छूटने लगेगा, तो इसे हम पलट देंगे तो ये अपने आप छूटने लगता है। और इसे हम एक साइड में ही पकाएंगे तो ये आसानी से दूसरे साइड भी पक जाता है। अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो इसे थोड़ा सा और पका सकते हैं। ये एक और आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नीर डोसा बनकर तैयार है और ये काफ़ी टेस्टी लगेगा। आप इसे नारियल की चटनी पर बनाकर खाइए, काफ़ी टेस्टी लगेगा। आप एक बार बनाइएगा तो बार बार बनाकर खाइएगा। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।